एवरीवन, वेलकम बैक टू धनश्री राजन व्लॉग्स। तो आज है 6th of September और आज है कृष्ण जन्म। तर आज असणार आहे कृष्ण जन्म आणि रात्री 12 वाजता आपण कृष्णाचा जन्म करणार आहोत। आज सकाळी उठून मी छान पूजा केली आहे, मी तुम्हाला आत्ता दाखवते की पूजा कशी झाली आहे। तर अशी केली आहे मी आज सकाळीच पूजा। हा आहे आपला बालकृष्ण। जसं की मी तुम्हाला दाखवलं की सकाळी देवाची पूजा कशी झाली आहे ते, तर असं म्हणतात की संध्याकाळी 7 वाजता तिन्ही सांजेला बेसिकली कृष्णाला छान फुलांमध्ये झाकून ठेवतात। का? कारण कृष्णाचा जन्म झालेलाच नसतो। आणि रात्री 12 वाजता मस्त कृष्णाला फुलांमधून काढून छान वस्त्र घालून पूजा करून कृष्णाचा जन्म साजरा करतो आपण। तर अशा प्रकारे आम्ही तरी कृष्णाचा जन्म साजरा करत आलो आहोत। तर हां, आणि आपल्याला कृष्णाच्या जन्मासाठी काही सामान घ्यायचं आहे, काही फुलं फळं, आणि बघूयात अजून काय काय। तर यस, स्टे कनेक्टेड विथ मी। तर जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आपल्याला कृष्णाला झाकावं लागतं फुलांनी, पण मला असं वाटतं कृष्णाला बाहेर काढून झाकणं इज नॉट अ व्हेरी गुड आयडिया। तर आपण इथेच फुलांनी कव्हर करूया आणि मग रात्री मस्त आपण त्याला आसनावर मांडूया। 3-4 फुलं आणलेली आहेत, तर आपण इथेच कृष्णाला झाकूया। आपण मस्त असं कृष्णाला झाकून घेतलेलं आहे। हा आहे आपला कृष्ण मस्त। तर आपल्याला जे काही आता कृष्णाच्या जन्मासाठी सामान लागणार आहे ते आपण बाहेरून घेऊन येऊयात। तर हा राजन, वेलकम। आजच्या ब्लॉग मध्ये तू आता एंट्री मारली आहे। नमस्ते दर्शक, चला मग काही सामान घेऊन येऊया। तू माझी नकल करतो? नाही तर गाइस भेटूयात। एवरीवन, जसं आपल्याला माहिती आहे आज रात्री 12 वाजता कृष्ण जन्म होणार आहे, तर त्यासाठी आपल्याकडे सगळी तयारी झालेली आहे। तर बघू मस्त कृष्ण जन्माचा कार्यक्रम कसा पार पडतोय। ऍक्च्युली आम्ही ट्राय केलं आहे की थोडंफार डेकोरेशन करू, बट जसं की तुम्हाला माहिती आहे आमची रात्रीची शिफ्ट असते आणि आम्हाला ऑफिस मॅनेज करून हे सगळं करायचं आहे। तर आम्ही आमचं थोडंफार काहीतरी ट्राय केलेलं आहे। आय होप तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडेल। तर आम्ही हे अशा प्रकारे थोडंफार डेकोरेशन केलं आहे। इथे हा कृष्ण आहे जो लपलेला आहे, अजून जन्म व्हायचा आहे कारण 12 वाजायचे आहेत। आणि हे फुलांचं ताट, हे अभिषेक करण्यासाठी सामान, आणि हे फळांचं ताट। तर आपण आधी कृष्णाचा अभिषेक करणार आहोत आणि मस्त वस्त्र हे सगळं घालून मस्त आपण पाळण्यात बाळकृष्णाला ठेवणार आहोत आणि जन्मोत्सव साजरा करणार आहोत। सेलिब्रेट कृष्ण जन्म। आय होप तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडेल। छोटासा प्रयत्न केला छान साजरा करण्याचा, छान झाला पण। आणि तुमच्याकडे पण कसा असतो कृष्ण जन्म आम्हाला नक्की सांगा कमेंट करून। येस, नक्की सांगा। तर भेटूयात उद्या, बाय। नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, आज है 7th of September और आज है दहीहंडी। कल हमारा जन्मोत्सव तो बहुत अच्छे से हुआ। हम लोग ने एक्चुअली ट्राई किया कि हम अच्छे से करें, बट हम लोग की, आप लोगों को पता है, हम लोग की ड्यूटी भी होती है तो वो एक साथ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वी ट्राइड आर बेस्ट। आई होप यू गाइज लाइक इट। तो आज है दहीहंडी, हमारे सोसाइटी में भी दहीहंडी है, बट इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग राइट नाउ। मौसम तो बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। ऐसे मौसम में ना मस्त गर्म गर्म चाय पीने का बहुत मन करता है। तो सिंस इट्स रेनिंग, आई गेस बिकॉज ऑफ दैट वो दहीहंडी का प्रोग्राम होल्ड पे रखा है। सो अभी तो हम लोग को जाना है DIY, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना है तो हम DIY जाएंगे, और अगर हम लोग को टाइम मिलता है तो हम डेफिनेटली चाय पीने जाएंगे, क्योंकि 8:30 हमारा होता है लॉग इन टाइम। सो लेट्स सी कैसे कैसे होता है। अभी तो मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ कि कैसे हो रहा है। गाइस ये है आज का मौसम। इट्स रेनिंग थोड़ा थोड़ा और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, ग्रीनरी ऑल अराउंड, लुक एट दिस। गाइज वी आर रेडी, आता आपण जाऊया DIY आणि मग जाऊया चहा प्यायला। चलो। यस राजन, आपण कार नाही चाललोय? नाही, दही आणली आहे ना, आपल्याला कार बाहेर लावायला। ओ
Yes. गाइस आपको हैप्पीनेस पता है क्या होता है, देखना है हैप्पीनेस खुशी क्या होती है, ये देखिए ये है हैप्पीनेस गाइस। आ जाओ चाय पीने। वी बैक होम। तो हम लोग गए थे DIY क्योंकि हम लोग को खरीदना था कुछ सामान जो हम लोग को नहीं मिला, तो वो नहीं तो कुछ और सही। DIY जाके छोटे छोटे एक्सेसरीज नहीं खरीदे तो क्या किया, तो मैंने भी खरीदा है थोड़ा बहुत सामान जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने थोड़ा बहुत ही सामान खरीदा है क्योंकि उसके बाद हम लोग को जाना था चाय पीने, और अगर वहाँ पे राजन के पेशेंस खत्म हो जाते तो हमारा ऑब्वियसली चाय कैंसिल हो जाता। तो मैंने थोड़ा बहुत ही सामान खरीदा है, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। यस गाइज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान खरीदा है DIY से। सो गाइज जस्ट इग्नोर माई हेयर बिकॉज यू नो बारिश शुरू थी और इतना मतलब अजीब से बाल हो गए, सो आई होप यू गाइज डोंट माइंड। एनीवे, तो मैंने खरीदा है DIY से ये वाला हेयर क्लॉ क्लिप। ये पिंक कलर का बोल सकते हो या फिर फ्लेमिंगो कलर, ये काफ़ी क्यूट सा है। और पता है मेरा ना क्या है, मुझे ना हेयर क्लॉ क्लिप्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन भी है, तो कभी चांस मिले तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी आपको। मैंने सुना है कि DIY में ना बहुत यूनिक हेयर क्लॉ क्लिप्स आते हैं कलेक्शन में, तो ये खुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली कि बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आता है। वैसे मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि मुंबई का हिल रोड या लिंकिंग रोड पे ना एक्सेसरीज का बहुत अच्छा कलेक्शन है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो जब भी चांस मिले विल डेफिनेटली विजिट मुंबई और अच्छी खासी शॉपिंग करेंगे। तो ये वाला एक हेयर क्लॉ क्लिप है। उसके बाद मैंने खरीदा है ये वाले हेयर क्लिप्स। ये भी काफी क्यूट से हेयर क्लिप्स है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इसका बोल सकते हैं मल्टीपर्पज यूज है। मैं ना ये बहुत कम यूज करती हूँ बट इस बार ना मुझे ये खरीदना था, मुझे देखना था इसका एक्चुअली क्या यूज है। मैंने एक दो बार ये यूज किए हुए है कुछ हेयर स्टाइल करने के लिए, बट या दिस इज द हेयर क्लिप विच आई हैव परचेस्ड, इज वेरी प्रिटी एंड क्यूट, या सो दिस इज द वन। उसके बाद मैंने खरीदा है ये वाले हेयर टाइज या पोनीटेल रबर बैंड्स। ये काफ़ी क्यूट पर्ल के हैं, इफ़ यू गाइस कैन सी दिस। ये वाले सेम ना एक्चुअली मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को भी गिफ्ट किए हैं और मुझे उसी टाइम काफ़ी क्यूट लगा था ये, तो मुझे ये खरीदना था। अगेन मेरे पास हेयर टाइज या फिर रबर बैंड्स इसके बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और मेजॉरिटी मैंने DIY से ही खरीदा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर बहुत अच्छा और क्यूट कलेक्शन है, तो ये है एक। उसके बाद मैंने खरीदा है ये वाला ब्रेसलेट, ये भी काफी क्यूट सा है। DIY में ना ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस के काफी अच्छा कलेक्शन है, सो इफ यू गाइस विजिट यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, या सो दिस इज द वन। उसके बाद मैंने खरीदा है ये किचन टॉवल, ये पिंक कलर का काफी क्यूट बनी बना हुआ है यहाँ पे, तो ये मुझे काफी क्यूट लगा। सो या दिस इज व्हाट आई हैव परचेस्ड। काफी कम सामान खरीदा है, कुछ ज्यादा तो है नहीं, बट या दिस इज ऑल। दही हंडी साठी ना आम्ही बाहेर जायचा खूप ट्राय केला आणि आम्ही गेलो सुद्धा, बट पाऊस खूप जास्त सुरू झाला आणि आमचा ऑफिसचा टायमिंग होत होता त्याच्याने आम्हाला घरी यावं लागलं। पण नाशिकची दही हंडीची क्लिप मला भेटलेली आहे जी की अब शूट केली आहे काकांनी, तर मी इथे ती क्लिप टाकते, सो डू वॉच दॅट। व्लॉग आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। और मैंने बहुत कुछ कवर करने का ट्राई किया है, ऑफिस करके ये सब शूट करना इज डिफिकल्ट, बट वी आर ट्राइंग अ बेस्ट, सो आई होप यू गाइज सपोर्ट अस एंड प्लीज डू कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।